जो शाक्त गुरु है वो शाक्तों का गुरु है, बाकी का नहीं है। जो गणपत्य गुरु है वो गणपति के उपासकों का गुरु है, बाकी का गुरु नहीं है। इसी तरह से शिव का मंत्र देने वाले, शिव की आराधना बताने वाले जो गुरु हैं वो केवल शैवों के गुरु हैं, बाकियों के गुरु नहीं हो सकते। लेकिन शंकराचार्य हर आराधना पद्धति को, हर मंत्र को शिष्यों को उपदेश दे सकते हैं, इसीलिए वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु। जगत गुरु शब्द का एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरे जगत गुरु का मतलब ये है, जैसे गणित गुरु का मतलब जो गणित पढ़ा सके, विज्ञान गुरु का मतलब जो विज्ञान पढ़ा सके, उसी तरह से जगत गुरु का मतलब जो जगत की सच्चाई आपको बता सके कि ये जगत की सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, वो जगत गुरु। ये क्षमता जिसमें हो, जो जगत की वास्तविकता का आभास शिष्य के हृदय में सुस्पष्ट कर दे और ब्रह्म की सत्ता का निर्धारण कर दे, वो जगत गुरु। तो ये बड़ा सौभाग्य है किसका, भारत भूमि का, कि इसमें भगवान शंकराचार्य आए। अब आचार्य दक्षिण में हुए, ये बात तो सही है, अभी बताया गया आशुतोष डिमरी जी के द्वारा कि केरल प्रदेश के कालडी नाम के ग्राम में माता आर्यांबा और पिता शिव गुरु से उनका आविर्भाव हुआ। लेकिन बंधुओं, अगर आज शंकराचार्य जी की कहानी आपको सुनाएगा कोई तो क्या कहेगा, कहेगा आदि शंकराचार्य कहाँ आविर्भूत हुए थे, भूतकाल में पूछेगा प्रश्न, तो आप कहेंगे कालडी में। लेकिन जब ये प्रश्न आएगा कि अब कहाँ हैं शंकराचार्य, तो ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, ये उत्तराखंड का व्यक्ति खड़ा होकर के बोल सकता है शंकराचार्य जी आज भी हमारे यहाँ। वहां तो हुए थे और यहाँ तो आज भी हैं। कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का परित्याग आपके उत्तराखंड में किया, केदारनाथ जी के सानिध्य में। आज भी उनकी समाधि, उनका जो शरीर है वहीं पर सुरक्षित है। तो ये उत्तराखंड का गौरव है। यही नहीं, उत्तराखंड का गौरव ये भी है कि भगवान शंकराचार्य अपने जीवन में केवल 32 वर्ष तक रहे, निरंतर भ्रमण करते रहे, कभी रुके नहीं। केवल आपके उत्तराखंड में 5 वर्ष लगातार रहे और अपने जो उनके शंकर भाष्य नाम के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने आपके उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में बैठ करके किया। तो भगवान शंकराचार्य का जितना योगदान उत्तराखंड में है उतना अन्यत्र नहीं है। वैसे तो पूरे विश्व के वो हैं, जगत गुरु हैं, कोई उनको नकारता नहीं है, सब उनके सामने मस्तक ही झुकाते हैं, उनकी प्रतिभा के सामने, उनकी मेधा के सामने। बंधुओं, उन्हीं की प्रेरणा है कि हम लोग विश्व मंगल के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य के पहले भी संन्यास था, लेकिन वो संन्यास कैसा था, करतल भिक्षा तरतल वासः, हाथ में भिक्षा ले लो, पेड़ के नीचे रह जाओ, आत्मकल्याण के लिए। भगवान शंकराचार्य के पहले भी संन्यास आश्रम था, क्योंकि हमारा धर्म तो अनादि है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चारों आश्रम अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो संन्यास तो पहले से ही था, लेकिन वो आत्मकल्याण का साधन माना जाता था। मनो ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत, तीनों ऋणों का अपाकरण करके, पुत्रादिक संतान उत्पन्न करके, अध्ययन आदि करके, देव पूजा करके, यज्ञ आदि करके, मनोमोक्षे निवेशयेत, मन को मोक्ष में लगा दे, माने संन्यास धारण कर ले और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करे। लेकिन आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना है,
ये जो दृष्टि है संन्यास में, इसको भगवान शंकराचार्य ने मिलाया और उन्होंने मठ निर्माण करके कहा कि मठ में आचार्य बैठेगा, सन्यासी होगा, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए निरंतर प्रव्रजन करेगा। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। माने